गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इसमें ये जो आज चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ, ये चैप्टर 8 क्लास का है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। किन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा? जो आपके ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या स्कूल के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स, उसके लिए जब आप एडमिशन के लिए टेस्ट दे रहे हो तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। और इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अब देखते हैं उन राजों को कैसे निकाला जाएगा और उनको कैसे समझा जाएगा। और आज से आपको रेगुलर इस चैप्टर की वीडियोस मिलने वाली हैं और इसके रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक और चैनल पे बने रहें और देखते रहें किस तरीके से हम सॉल्यूशंस इन स्क्वायर वर्ड्स वाले क्वेश्चंस के निकालते हैं आसान से आसान तरीके। वैसे मैंने एक वीडियो और बनाई है अपने स्क्वायर में, स्क्वायर निकालने की। इसमें कम से कम 7 तरीके, 6 या 7 तरीके मैंने बताए हैं। और अगर नहीं हो 7 तो 1-8 तरीका मैं और बता दूंगा, तब उसमें सीख लीजिएगा। तो उसमें मैंने तरीके ये बताए हैं कि कैसे स्क्वायर्स जो है किसी भी इसका किया जाता है। मतलब अगर मान लो 2 का स्क्वायर करना है, कैसे बताए बता दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो भैया मतलब ये हुआ कि मुझे 12 का स्क्वायर कैसे निकालना है, उसका तरीका क्या होगा। या तो 12 का आसानी से निकल, 37 का हो या 107 का हो तब, या 119 का हो, या कोई भी डिजिट है उसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो उसके मैंने 5, 6 या 7 मेथड जो भी है वो बताए हुए हैं। उसका मैं लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकाले जाने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। वर्ग, कुछ वर्ग लिखता हूँ मैं यहाँ पे और उसके अंदर फिर उनकी गुणधर्म बताने वाला हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 × 1 कितना होगा? 1। 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 मतलब 4। इसी तरीके से मैं बाकी के एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखने वाला हूँ, आप समझें यहाँ पे देखें और फिर बताएं जैसे भी है। और यहाँ पे फिर हम लिखें 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 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
81 10 का स्क्वायर, 100 11 का स्क्वायर, 121 12 का स्क्वायर, 144 13 का स्क्वायर, 169 14 का स्क्वायर, 196 15 का स्क्वायर, 224 225 ओ ज़्यादा उधर पहुँच गया, मैं इधर लिख देता हूँ, 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 256 17 का स्क्वायर 289 18 का स्क्वायर 324 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो एक बार बच्चों जरा दोहरा लो मेरे साथ, एक का स्क्वायर एक, आप ही से बोल रहे हो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर, दस का स्क्वायर, ग्यारह का स्क्वायर, बारह का स्क्वायर, तेरह का स्क्वायर, चौदह का स्क्वायर, पंद्रह का स्क्वायर, सोलह का स्क्वायर, सत्रह का स्क्वायर, अठारह का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इनमें एक बात आपको कॉमन देखने को मिल रही होगी बच्चों, देखो क्या इसके अंदर कॉमन है, जो इकाई का अंक, इकाई का अंक जो शुरू में आता है, देखो यहाँ पे इकाई का अंक एक, यहाँ पे चार, यहाँ पे नौ, यहाँ पे छः, यहाँ पे पाँच, ये छः, फिर नौ, फिर चार, अगेन वन, डबल ज़ीरो, वन फोर
9 6 5 6 9 4 1 0 0, मतलब 1 से 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में हमने देखा जो डिजिट आ रही हैं वही 11 से लेके 20 तक के जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनकी इकाई के अंत में वो सब सेम है। आप देख सकते हो क्या है, सभी के अंदर एक बात कॉमन है, मैं सब ऊपर को लिख देता हूँ स्क्वायर वर्ग वर्ग। तो इसमें क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 सभी में आ रहा है, 4 सभी में आ रहा है, 5 6 देखो 5 भी है, 6 भी है और 9 भी है और 0 0, मतलब 0 भी आ रहा है तो जोड़े के साथ आ रहा है, बिना जोड़े के 0 भी नहीं आ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हम, देखो 1 यस, 4 हाँ बिल्कुल, 9 यस, 6 यस, 5 यस और फिर 6 आ गया, 9 बोलो 9 यस हाँ है ना, यस, 4 यस, 1 यस, 0 0 यस, मतलब वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो एक बात हमें कंफर्म हो गई इसमें कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके इकाई का अंक सभी, मैं थोड़ा सा रब करके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह लिखने वाला हूँ जो आपके काफी काम है। कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 1 4 5 6 9 0 0 होंगे, या आप कह सकते हो जिन संख्याओं के इकाई के अंक 1 4 5 6 9 0 0 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। और इसी बीच में जब ये मैंने आपसे पहले शॉर्ट्स में वीडियोस डाली थी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, तो उस टाइम बहुत क्वेश्चनिंग आई थी, क्वेश्चन अराइज हुए थे कि सर इनका कोई तरीका, आसान तरीका बताओ, इसमें तो डायरेक्ट आपने आंसर बता दिया। सो प्लीज़ अब वो सभी जिनके क्वेश्चन थे कि ये इनके आंसर्स बताए जाएँ, कैसे शॉर्ट ट्रिक होती है किसी भी नंबर्स का पता करने के लिए, किसका अंडर रूट है किसका अंडर रूट नहीं होगा, वो इन इस चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस चैप्टर में और या वीडियोस पर चैनल पर बने रहें और देखते रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक करें। तो ये वाली बात नोट कर लें और इंग्लिश में भी बता देता हूँ। चलो यहाँ पे दोज नंबर has 1 4 5 6 9 0 0 at unit place those number has 1 4 9 0 0 at unit ones place are called the number called the number called perfect square number
परफेक्ट स्क्वायर रूल। इस लैंग्वेज की आपको जो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये वर्ड्स लिखने के लिए पूरी पूरी लाइन अभी ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें मैं आपको कुछ दो चार क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बेस पर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है और इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, हम कैसे जानते हैं? तो देखो अभी तो इसमें हम कैसे कहें, तो आप देख सकते हैं कि इकाई का 2, 7, 2, 7, 3, 9, 8, 1। और हमने उसमें क्या सीखा था, जिन संख्याओं बोलो बेटा, जिन संख्याओं के इकाई के अंक कितने होने चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9, 0 हो, वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी तो मतलब इनमें से किसी का भी इकाई का अंक है तो नहीं है, क्या ये किसका है बताओ, इसका है और सिक्स वाले में 1। तो आप कह सकते हैं फिफ्थ और सिक्स पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो बताओ कैसे कह सकते हो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, नाइन या सिक्स वन है, ठीक है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ, अभी एक क्वेश्चन और तैयार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का आपको आंसर देने के लिए क्वेश्चन है, 5 ऐसी संख्याएं लिखिए, 5 ऐसी संख्याएं लिखिए कैसी, जिनके इकाई को देखकर आप नहीं, जिनके इकाई अंक को देखकर आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते कि ये वर्ग संख्याएं हैं या नहीं, वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। मान लीजिए यहां मैंने ले लो 24, क्या ले लेता हूं 24, इकाई का अंक तो 4 आ रहा है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बोलो कैसे हो जाएगी। अभी हमने देखा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन इसमें तो कहीं भी 24 नहीं आया, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 25, 36, 1, 4, 9, 16 या 7 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो कई सारी डिजिट्स के अंदर हम ये कह ही नहीं सकते कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी। हाँ, एग्जामिनर ने अगर दिया है वो पूर्ण वर्ग संख्या की स्थिति में, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये हो सकती है, 100% होगी या नहीं होगी, हम पूरा कंप्लीट उसको निकाल कर ये पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा आप सभी को? अब देखो इसका पता कैसे लगाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या तो आप इसका एलसीएम करें, उसमें समय लगेगा। तो पहले मैं इसका आंसर दे दूं, 5 ऐसी संख्या होगा, 24 हो गया और इसके हिसाब से 31 हो गया, 31 पूर्ण वर्ग तो नहीं है, और इसके हिसाब से हम बात करें 46 हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो इकाई के अंक तो सेम ही आ रहे, तो क्या आंसर सही आ रहे, नहीं। मान लो 35 हो गया, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल भी नहीं, 5 आ रहा है, देखो फिर भी
या मान लो 1,000 हो गया, अब तुम कहोगे सर जी जोड़े, अरे भाई हाँ ये जोड़ा तो है लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। तो खाली इकाई के अंक देखकर हम ये नहीं कह सकते ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन कम्प्लीटली अंदाजा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे, अभी कंफर्म करते हैं कि ये दो संख्याएं हमें दिखी, ये तो नहीं है, ये पूरी संख्या दिखी हमें, ये वाली पूरी और ये पूरी, इनमें एक आया इसलिए और इसमें 9 आया इसलिए, तो हम देखते हैं 1 और 9 के बीच पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसे जरा देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको, जैसे रब कर देता हूँ इसे, और थोड़ा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और देखो पहले मैं दो तरीके स्क्वायर निकालने के लिए बताता हूं आपको। तो देखो पहचान कैसे, पहले मैं दो चीजों के स्क्वायर निकालना आपको बताता हूं। मान लो आपको 10 का स्क्वायर निकालना है, या आपको 20 का स्क्वायर निकालना है, या आपको 30 का स्क्वायर निकालना है, या 40 का स्क्वायर निकालना है, या 50 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर के अंदर 0 डबल हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर के अंदर 0 डबल हो जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर के अंदर 0 डबल हो जाते हैं, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर डबल, 5 का स्क्वायर 25 0 डबल, जो स्क्वायर के अंदर 0 डबल हो गए। अब देखो ये 2061 इससे तो कम है, मतलब ये बात मालूम हो गई कि ये ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 50 से कम है। तो अब एक काम करते हैं, एक और ये बात तो समझ में आ गई, अच्छा मैं इसे यहीं इसको लिखा रहने तो मैं इधर वाले रब कर देता हूँ, इसके बाद बताते हैं क्या करना है। अच्छा दूसरी किन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर कितनी आसानी से निकालते हैं, ध्यान से देखो। अगर आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है, या 25 का निकालना है, या 35 का स्क्वायर निकालना है, या 45 का स्क्वायर निकालना है, तो कहते 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर 15 वाले केस में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ कितनी संख्या है एक, काउंटिंग में एक से अगली संख्या क्या होगी 2 की गुणा इससे करो 2 एकम 225 आ गया। ऐसे इस वाले केस में जरा देख के बताओ, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 2 से अगली संख्या क्या होगी कितनी होगी 3, 2 की गुणा 3 से 2 दिया 6, 625 का आंसर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12, समझ में 3 से अगली संख्या क्या होगी 4, 2 की गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे इस वाले केस में 5 का स्क्वायर 25 और 4 से अगली संख्या 5, 5 चौक 20, 25, तो एक बात समझ में आई, ये 45 से जस्ट बड़ी है, 45 से जस्ट, देखो 2025 2061 है, तो इसका मतलब 45 का स्क्वायर तो ये है नहीं, तो इसका मतलब 46 का हो सकता है, 46 का स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा स्क्वायर निकालने की मैंने अभी वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है और 5 या 6 तरीके 7 तरीके उसमें सिखाए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं उसका लिंक दे दूंगा आपके इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। और सबसे बड़ी बात, वैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे सर्च आइकन में जाके, और वहां पे लिखें आप स्क्वायर्स शॉर्ट ट्रिक जमशेद अकेडमी या मैथ के तुके, तो आपको वो मिल जाएगी। ओके तो चलते हैं, देखो 6 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी अकेडमी का जो नाम है वो जमशेद अकेडमी है और चैनल का नाम मैथ के तुके है। अच्छा 46 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एक नॉर्मल तरीका अपनाते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, इन दोनों की गुणा करो 6 चौक 24, 24 का दुगना, हमेशा याद रखना है दोनों की गुणा करने वाला दुगना करना है, 6 चौक 24 का दुगना 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 का 1 हासिल 5। अब 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, वाओ 2116,
लेकिन ये तो कम है, इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम खाली इकाई का अंक लेकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन उसको निकालना भी पड़ेगा। तो अभी हमने जस्ट निकाल के चेक कर लिया कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, कैसे संख्या को चेक किया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देख सकते हैं, तो 1069 का तो आप वैसे अंदाजा लगा सकते हो, कैसे 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 900 और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 दिया 12। तो अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच की संख्या है, इन दोनों के बीच की संख्या है। तो पता कैसे चले कौन से बीच की संख्या हो सकती है, तो जरा ध्यान से देखें भाई। एक और तरीका बताता हूँ, आप मैं रख कर दो नीचे वाले को, ये सारे को रख कर देता हूँ। ये या तो 35 से कम और 30 से ज्यादा, तो हमने देखा इकाई का अंक 9 कब होगा, जिसका इकाई का अंक 3 हो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, चाहे 3 हो, 13 हो, 23 हो या 35 हो, उनके इकाई के अंक पे क्या आएगा, 9 आएगा। आएगा या नहीं आएगा भाई, अभी हमने ये बात तो सीखी थी सबसे पहले, तो इसका मतलब इसके इकाई का, तो ये किसका इकाई, किसका स्क्वायर होगा, 33 का, इसका 33 का, 33 का स्क्वायर कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों की गुणा 3 दिया 9 का दुगना 18 का 8 हासिल 1, अब इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 1089 भाई, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब ये डिजिट हमें बहका सकती हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो सीख रहे हो उसको आधा अधूरा सीखो, सबसे पहले आप पूरा परफेक्टली उस चीज को सीखो, और परफेक्टली सीखने के बाद जो आप एग्जाम में ट्रिक लगाने वाले हो, तरीका लगाने वाले हो, तो खाली डिजिट देखकर ये नहीं बताओगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। क्योंकि अभी आप देखो दो केस के अंदर क्या हुआ कि जो संख्याएं हैं उनको सबसे पहले देखेंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं, फिर उसके बाद ही चेक करना है कि वो वाकई में पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखो चेक करके मैंने इस वाले केस का भी चेक करके बता दिया आपको, और इस केस का भी चेक करके बता दिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन के अंदर वो बातें पहुंचा सका हूं कि जो प्रॉब्लम्स आपको अभी तक आ रही थी कि कोई भी स्क्वायर नंबर्स है या नहीं है, क्योंकि अभी तक ये अंदाजा लगाया जाता था सिर्फ पढ़ने के बाद कि हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन कैसे होगी, क्यों होगी, वो भी हमें पूरा कंप्लीटली जानना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सारी बातें जो मैंने इसमें बताई हैं समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।